कोरबा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान में संकल्प शिविर के आयोजन संपन्न हुई, जेमा मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत व विशिष्ट अतिथि के रूप में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मौजूद रही। शिविर में सेवा दल के सदस्य व जुड़े कार्यकर्ता मल्ला विधानसभा चुनाव ले अवगत करात फुल रिचार्ज करे गई। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहिस के प्रदेश के 9 जिला में चिंतन शिविर के आयोजन करे जावत है, जेखर रिस्पांस पार्टी कार्यकर्ता मन ले मिलत है। राहुल गांधी के ईडी जांच लले के जब विधानसभा अध्यक्ष महंत ले सवाल जवाब करे गई तब बताइस के राहुल गांधी ला साजिश करके बदनाम करे के कोशिश करे जावत है। मेरा एक विचार है और हम सब की निचले स्तर पर जो बूथ कमेटी होती है, तो मेरा ये विचार है बूथ कहने पे किस तरह का कार्यशाला था 2023 को लेकर, किस तरह की प्रत्येक जिले में 9 संकल्प शिविर हो रहा है और उदयपुर में जो कांग्रेस पार्टी का 9 संकल्प शिविर हुआ था उसी के निर्देश पर हो रहा है। मैं आज देखने आया था इस शिविर में क्या होता है। मैंने देखा सब कार्यकर्ताओं ने अपने दर्द को बयान किया, सब कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि हमारे दिल में दर्द है, उसके बावजूद भी हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी सहभागिता कांग्रेस के साथ बने रहेगी। राहुल जी के साथ हम खड़े हैं, सोनिया जी के साथ खड़े हैं और जो शक्तियाँ कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को देख नहीं पा रही है वो राहुल जी के लिए जिस तरह से कूटनीति करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोनिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। उनका जहाँ पसीना निकलेगा हम वहाँ खून बहाएंगे, इस तरह की भावना यहाँ के कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है जो निश्चित रूप से बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मतलब क्या जा सकते सर, ये आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार के दौरान ईडी और सीबीआई कार्य कर रही है और परेशान किया जा रहा है कांग्रेस को। देखिए ऐसा है, जब जब इन पर संकट आता है विपक्ष लोगों पर तो ये हम लोगों को परेशान करते हैं, सोनिया जी को, राहुल जी को, क्योंकि हमारे अब संकल्प शिविर लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोरी महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों से बदला लेने की भावना से पूरा राजनीतिक इससे प्रेरित हैं ये लोग और इस तरीके से करते हैं। आजकल ऑनलाइन सारा कुछ होता है, आप पता कर लें, बैंकिंग देख लें, कौन क्या गड़बड़ कर सकता है। और उन्होंने तो अपनी संपत्ति को दान दिया है, करोड़ों की संपत्ति मोतीलाल नेहरू ने दी थी, नेहरू जी ने दी थी, 10 साल हम लोग जेल में काटे हमारे कांग्रेसी पूर्वज, क्या ये सब छोटी बातों की बात करते हैं। हम लोग मुद्दा उठाते हैं महंगाई का, मुद्दा उठाते हैं अपने बेरोजगारी का, ये सबको दबाने के लिए कहीं ना कहीं वो ये चीज़ छोड़ देते हैं, सारे सभी लोग कांग्रेसी परेशान हो जाएं और इसके पीछे भागें और मेन मुद्दा भूल जाएं, क्योंकि चुनाव है इसलिए उन्हें कोई ना कोई तो नौटंकी करनी थी, जो कर रहे हैं गलत बात है। इतने बड़े आदमी, इतने बड़े नेता देश के, जिनकी जिसकी की दादी प्रधानमंत्री रही, जिसकी की पिता प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ ऐसा सलूक, और प्रशासन और पुलिस हम लोगों को मार रही थी, हम लोगों को घुसने नहीं दे रही थी उसी AICC में जिसमें हम लोग जाना चाह रहे थे शांतिपूर्वक, जब हम यदि कोई काम कर रहे हैं, और राहुल जी ने नहीं बुलाया था हमको, हम लोग खुद गए थे, क्योंकि परिवार का किसी सदस्य पर यदि कभी कोई मुसीबत आती है तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, इसलिए गए थे। अभी 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया, उसके बाद सभी प्रदेशों में, पूरे भारतवर्ष के सब प्रदेशों में आपका 1 तारीख और 2 तारीख को आपके जून में भी शिविर, दो दिवसीय शिविर आयोजित हुए, और उसके साथ साथ ये निर्णय हुआ कि सभी जिला मुख्यालयों में हमको 9 संकल्प शिविर करना है। उसी के तहत आज 9 संकल्प शिविर का कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजन हुआ, जिसमें पूरे कोरबा जिले के हमारे
कांग्रेस के पदाधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसके साथ साथ हमारी सांसद महोदया ने ये निर्देश दिया है कि पूरे उनके लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा है वो पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में भी ब्लॉक स्तर पे भी ये शिविर करना है, क्योंकि मैंने भी रायपुर में ये मांग उठाई थी कि ब्लॉक स्तर में भी शिविर होने चाहिए ताकि उसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इन चीज़ों की जानकारी मिलेगी और उनकी बातें हम लोग सुन सकेंगे। तो उसी के